सलमान नहीं करना चाहते यूलिया के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस। फिल्म पद्मावती कंट्रोवर्सी पर आया आमिर का शॉकिंग रिएक्शन। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के सॉन्ग ने बनाए नए रिकॉर्ड। क्या अपने करियर को दांव पर रखकर वरुण देंगे अपने भाई रोहित का साथ? फिल्म पद्मावती के विरोध ने क्रॉस की हर लिमिट। पिछले कई दिनों से फिल्म पद्मावती को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर आमिर खान की चुप्पी ने उठाए कई सवाल। ऐसे में प्लैनेट बॉलीवुड ने इस इश्यू पर की आमिर से डायरेक्ट बात, जिसके बाद जो रिएक्शन आमिर की तरफ से आया वो कर देगा आप सभी को शॉक। आमिर, एनी कमेंट्स ऑन द पद्मावती कंट्रोवर्सी? आमिर, दीपिका एंड भंसाली आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स। आमिर, सम कमेंट। आमिर खान का ये रिएक्शन है काफी शॉकिंग। आमिर, एनी कमेंट्स ऑन द पद्मावती कंट्रोवर्सी? आमिर, दीपिका एंड भंसाली आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स। आमिर, सम कमेंट। प्लैनेट बॉलीवुड ने आमिर खान से डायरेक्टली पूछा दीपिका और भंसाली को मिल रहे डेथ थ्रेट्स पर क्या है उनका रिएक्शन। आमिर, एनी कमेंट्स ऑन द पद्मावती कंट्रोवर्सी? आमिर, दीपिका एंड भंसाली आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स। आमिर, सम कमेंट। लेकिन देखा आपने, सवाल सुनने के बाद भी आमिर खान ने कुछ भी नहीं कहा। आमिर खान जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमने उनसे ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट करके आमिर को किया था टारगेट और कहा था कि वो क्यों है पद्मावती कंट्रोवर्सी पर चुप। शत्रुघ्न सिन्हा के इसी बोल्ड क्वेश्चन का जवाब हमने जब एयरपोर्ट पर आमिर से लेने की कोशिश की तो वहाँ से वो बिना कुछ बोले ही निकल गए। आमिर, एनी कमेंट्स ऑन द पद्मावती कंट्रोवर्सी? आमिर, दीपिका एंड भंसाली आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स। आमिर, सम कमेंट। अब आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनकी आवाज की बहुत ही ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। ऐसे में क्या उन्हें इस कंट्रोवर्सी पर इस तरह चुप्पी साधे रखना चाहिए? आमिर, एनी कमेंट्स ऑन द पद्मावती कंट्रोवर्सी? आमिर, दीपिका एंड भंसाली आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स। आमिर, सम कमेंट। क्या आमिर खान को भी दीपिका भंसाली को मिले डेथ थ्रेट पर अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर फिल्म इंडस्ट्री ही अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट पर एकजुट नहीं हो सकती तो बाकी लोग कैसे फिल्म के सपोर्ट में आवाज उठा सकते हैं? देश की पूरी मीडिया ने इस फिल्म को किया है सपोर्ट, लेकिन आमिर का ये रिएक्शन सच में है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। फॉर संदेश अगाटे, जूम मुंबई। क्रिकेटर जहीर खान और एक्टर सागरिका घाटगे बंध गए हैं शादी के बंधन में। जहीर और सागरिका ने अपने शादी के सेलिब्रेशन के लिए होस्ट की एक कॉकटेल एंड डिनर पार्टी, जहां पहुंचे कई बड़े क्रिकेटर्स एंड सेलेब्स। क्रिकेटर जहीर खान और एक्टर सागरिका घाटगे बंध गए हैं शादी के बंधन में। जहीर और सागरिका ने अपनी शादी के सेलिब्रेशन के लिए होस्ट की एक कॉकटेल एंड डिनर पार्टी, जहां पहुंचे जहीर और सागरिका के नियर एंड डियर वंस। यहां हमने स्पॉट किया लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को विद हिज वाइफ अंजलि तेंदुलकर। सचिन और अंजलि के अलावा यहां नजर आए हरभजन सिंह, हेजल कीच, अजीत आगरकर एंड हिज वाइफ, पार्थिव पटेल विद वाइफ अवनी, विद्या मालवडे, अभिषेक कपूर एंड वाइफ प्रज्ञा कपूर और आकाश अंबानी को। आपको बता दें, जहीर खान और सागरिका ने रजिस्टर्ड मैरिज करके एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है। नवंबर 27 को मुंबई के 5-स्टार होटल में होगी इनकी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, जबकि मेहंदी की रस्म इस संडे को पूरी की जाएगी। Well, Planet Bollywood भी इस newly wed couple को देता है ढेर सारी wishes. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत पहुंचे एक wedding attend करने, जहां इनके royal look ने किया सबको impress. Have a look. कल रात हमने बॉलीवुड के one of the loveliest and hottest couple शाहिद कपूर और मीरा राजपूत को किया spot. जब ये दोनों पहुंचे मुंबई में एक वेडिंग को अटेंड करने, यहां शाहिद और मीरा दिखे स्टाइलिश अवतार में।
शाहिद ब्लैक बंद गला में डैपल लुक में दिखाई दिए, वहीं मीरा मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस वेडिंग पर शाहिद मीरा के अलावा ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और जैकी भगनानी को भी स्पॉट किया गया। वहीं हमने हॉट एंड गॉर्जियस मलाइका अरोरा को एक बार फिर से स्पॉट किया पार्टी मूड में। मलाइका को वाइट स्टाइलिश शर्ट में हमने किया स्पॉट। कल ही हमने आपको दिखाया था कि मलाइका करीना और करिश्मा के साथ कैसे कर रही थी पार्टी। साफ है कि मलाइका आजकल हैं फुल पार्टी मूड में। पसंदेश अगाटे, जूम मुंबई। फिल्म पद्मावती को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट हो गया है वायलेंट। इस फिल्म के विरोध में अब कुछ ऐसा हो गया है जिसे देखकर आपके उड़ जाएंगे होश। पद्मावती को लेकर प्रोटेस्ट ने लिया खतरनाक मोड़। धमकियों के बाद अब एक डेड बॉडी मिलने से मचा बवाल। जयपुर में हैंगिंग डेड बॉडी के पास मिला चिलिंग नोट। संजय लीला भंसाली की दीपिका शाहिद और रणवीर स्टार ऑफ फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहा प्रोटेस्ट और भी तेज होता जा रहा है। अब इस प्रोटेस्ट ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया जिसके बारे में सोच कर भी आपकी रूह कांप उठेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट के पास एक हैंगिंग डेड बॉडी पाई गई है। इतना ही नहीं, इस डेड बॉडी के साथ एक चिलिंग नोट भी लिखा हुआ पाया गया और इसके नीचे पद्मावती भी लिखा हुआ था। वहीं इस पूरे मामले के बाद फिल्म पद्मावती का विरोध कर रहे राजपूतों के संगठन करणी सेना ने इसको कंडेम किया है। वेल, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट ने इस तरह का रूप ले लिया हो। इस खबर से बॉलीवुड स्टार से लेकर आम जनता तक शॉक्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अपने बॉलीवुड करियर को चमकाने के लिए यूलिया वांतूर सलमान के साथ करना चाहती है ऑन स्क्रीन रोमांस, पर इसके लिए सलमान नहीं है तैयार। अब क्या यूलिया बदल पाएंगी दबंग खान की ना को हां में? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहती हैं यूलिया। सलमान के साथ फिल्म में काम करना चाहती हैं उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया वांतूर। प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन मिली है कि सलमान के साथ उनकी फिल्म में काम करने के लिए यूलिया कर रही हैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश। बट अफसोस कि यूलिया के साथ फिल्म में काम करना तो दूर, उनके साथ एक सॉन्ग तक में काम करने में सलमान नहीं है इंटरेस्टेड। वेल, यस, सलमान खान यूलिया वंतूर के साथ ऑन स्क्रीन एक सीन तक शूट करने को तैयार नहीं है। हालांकि यूलिया सलमान के साथ स्क्रीन पर दिखकर अपने बॉलीवुड करियर को चमकाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वैसे कई बार खबर आई है कि यूलिया बॉलीवुड में अपने करियर को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, जबकि अपनी फिल्म में बिजी सलमान उनके करियर पर नहीं दे पा रहे हैं ध्यान। ऐसे में सलमान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आकर ही यूलिया जो फेम पाने की कोशिश कर रही थी, उस पर भी दबंग खान ने लगा दिया है फुल स्टॉप। वेल, अब देखना ये होगा कि कैसे यूलिया सलमान को कर पाती है उनके साथ काम करने के लिए रेडी। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। वरुण धवन के भाई डायरेक्टर रोहित धवन को प्रोफेशनली चाहिए अपने भाई की हेल्प, लेकिन क्या वरुण अपने करियर से समझौता करते हुए करेंगे अपने भाई की मदद? क्या अपने भाई के रेस्क्यू के लिए आएंगे वरुण धवन? क्या वरुण धवन अपने भाई रोहित धवन का देंगे साथ? प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वरुण के भाई रोहित धवन करना चाहते हैं एक फिल्म डायरेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि उनके साथ कोई भी एक्टर नहीं करना चाहता है काम। यूं तो रोहित धवन की डायरेक्टोरियल फिल्म झिशुम ने तकरीबन 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था,
लेकिन इस बार रोहित फंस गए हैं मुश्किल में। दरअसल अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए रोहित धवन बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, पर मुसीबत की बात ये है कि कोई भी एक्टर रोहित की फिल्म में काम करने के लिए नहीं है तैयार। सोर्सेस का कहना है कि जिन बॉलीवुड सेलेब से रोहित ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात की है, वो स्टार्स फिल्म के कंटेंट को लेकर जरा भी श्योर नहीं है। ऐसे में वरुण को अपनी फिल्म के लिए फाइनल करने के अलावा रोहित के पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस फिल्म के ऑफर को बॉलीवुड एक्टर्स कर चुके हैं रिजेक्ट, क्या अपने भाई के लिए वरुण उस फिल्म में काम करने को होंगे रेडी? फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बैक टू बैक फ्लॉप से परेशान सिद्धार्थ मल्होत्रा को चाहिए अपनी एक्स आलिया की हेल्प, लेकिन सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद आलिया नहीं चाहती उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप। ऐसे में आलिया को मनाना सिड के लिए हो रहा है काफी मुश्किल। अपनी बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद एक हिट के लिए सिड को चाहिए आलिया का सपोर्ट। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए सिड को चाहिए आलिया की हेल्प। वेल, सोर्सेस से मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया के साथ एक फिल्म करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आलिया इसके लिए तैयार नहीं है। खबर है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास बैक टू बैक फ्लॉप्स की वजह से न सिर्फ अच्छी फिल्म्स के ऑफर्स की कमी है, बल्कि एड वर्ल्ड में भी उनकी चमक फीकी पड़ गई है। ऐसे में सिर चाहते हैं कि आलिया उनके साथ एक फिल्म में काम करें, ताकि किसी तरह वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सक्सेस को रिपीट कर पाएं। लेकिन इस बार आलिया को अपने साथ फिल्म करने के लिए मनाना सिड के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले आलिया से सिड ने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बिजी हूँ कहकर उन्हें होल्ड पर डाल दिया था, और इस बार भी आलिया ने कोई क्लियर आंसर उन्हें नहीं दिया है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म अ जेंटलमैन में जैकलिन के साथ काम करने के दौरान सिड और जैकलिन के लिंकअप की न्यूज आई थी, और इसी वजह से आलिया सिड का हो गया था ब्रेकअप। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या आलिया ब्रेकअप के बाद सिड के साथ काम करने को होती है रेडी या फिर नहीं। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। अपने फैंस के बीच फंसे आमिर खान, शाहरुख खान डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इवांका ट्रंप के साथ करेंगे स्टेज शेयर। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn up.